ओके गाइज, आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आज वी कार्विंग कैसे की जाती है। वी कार्विंग टूल पाथ के बारे में बताऊँगा और इसको हम कैसे यूज करते हैं वो बताऊँगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, हमारे आर्ट के मैं आपको वी कार्विंग सिखाऊँगा। तो जैसे कि हम कोरल खोल लेते हैं, कोरल में देखते हैं ये वाली फाइल ठीक है। एक फाइल देखते हैं अच्छी सी जो कि वी कार्विंग के लिए हम यूज करेंगे और वी कार्विंग कैसे की जाती है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। कोई अच्छी सी फाइल मिल जाए जिससे कि आसानी से समझ आ सके और मैं जो समझाने का प्रयास करूं वो आपको आसानी से समझ में आए। चलिए हम वो फाइल ही ले लेते हैं जो शुरू में ली थी हमने। हम ले लेते हैं ये वाली फाइल ले लेते हैं। मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा और एक्सपोर्ट करने के बाद ये इसकी साइज दे देता हूँ। मैं लगभग आपको इसकी 10 इंच बाई 10 इंच ले लेते हैं, 15 इंच में हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल ई करेंगे। कंट्रोल ई करने के बाद आप आर्ट के में फाइल लेके जाएंगे तो देखिए, जैसे कि यहाँ हम दे देंगे 01, जो भी फाइल का नाम हो आप जो भी देना चाहो वो वी बिट। अब यहाँ से यहाँ देखिए AL फाइल, आप DXF ले सकते हो, AL ले सकते हो और भी कई फॉर्मेट है, आप वो भी ले सकते हो। मैं ज़्यादातर AL फाइल लेता हूँ और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से ये रहेगा और ये यहाँ पे एड नंबर पे रहेगा आपका और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ये फाइल हमारी आ चुकी है, ये देखिए। और मैं आपको आर्ट के एम खोल लेते हैं 2018 और यहाँ से ओके कर लेते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे और ये हमारा आर्ट के एम ओपन हो जाएगा। आर्ट के एम ओपन होने पर ये 3D व्यू है, ये 2D व्यू है। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ से जैसे कि हमारे वो टूल पाथ गायब हो चुके हैं तो यहाँ से हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे कि यहाँ से यहाँ। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ यहाँ से यहीं करेंगे हम, वो भी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और मैं आपको इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे हम, ये दबा के ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये ग्रीन टिक आ गया, मतलब ये ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, और एक राउंड ले लेते हैं हम और एक स्टार ले लेंगे। ठीक है, स्टार थोड़ा बड़ा लेंगे इस टाइप का लेंगे हम वी कार्विंग के लिए। वी कार्विंग के लिए इस टाइप का स्टार हम ले लेंगे। ठीक है, और देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हमारा स्टार हो गया। बट और एक स्क्वायर ले लेते हैं, एक इससे बड़ा ले लेंगे। ठीक है, इन पे हम वर्क करके आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार काम करते हैं। अब देखिए, हम यहाँ से प्रोजेक्ट में जाके वापस प्रोजेक्ट खोलेंगे और यहाँ से टूल पाथ पे जाएंगे। टूल पाथ पे जाने के बाद ये वी कार्विंग है, देखिए यहाँ पे 2D टूल पाथ वी कार्विंग बिट। ठीक है, अब यहाँ इस पर क्लिक करेंगे हम। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये हमसे पूछेगा, जैसे कि ये है,
ये सिलेक्ट वेक्टर आएगा आपके पास, एक डिफॉल्ट लेयर आएगी, एक सिलेक्ट वेक्टर आएगा, ठीक है। और यहाँ से ये मैक्सिमम डीप, स्टार्ट डीप, ये जो बाद में देखेंगे हम कितना डीप देना है हमें, कितना नहीं देना है, ठीक है। और यहाँ से हम टूल पाथ सेलेक्ट करेंगे वी कार्विंग, ठीक है। यहाँ से देखिए आप टूल पाथ में जाएंगे और वुड में जाएंगे, वुड में जाने के बाद यहाँ से आपको वी कार्विंग टूल पाथ मिल जाएगा। हम नब्बे डिग्री ले लेंगे जैसे कि, ठीक है। और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। और ये वी कार्विंग टूल पाथ का बनाएंगे, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा आज। देखिए कि ये इसमें रिफ्रेश करते ही हमें ये पता चल गया, ये मैक्सिमम डीप 66.5 जाएगा लगभग, और ये डीप जाएगा विड्थ में जाएगा इतना डीप, और ये इतना जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ में जाएगा 66.5 और मैक्सिमम डीप जाएगा 33.25, है ना। और अब यहाँ से हम, जैसे कि हमारा मटेरियल 18 mm का ही है तो हम 33 mm दे ही नहीं सकते, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ, फिर मैं 18 mm पे बताऊँगा इसको, ठीक है। और यहाँ से हम इसको फिनिशिंग टूल पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम, जैसे कि इसमें दो टूल पाथ बना लेंगे और एक बनाना चाहे तो वो भी बना लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ 6 mm का एंड मिल ले लेंगे, ठीक है। और 6 mm का एंड मिल हम इसमें यूज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और ये इसका वो आ गया स्टेप और वो, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये वी बिट का आ गया हमारे पास। और अब यहाँ से हम जेड आइट जो कि सीएनसी मशीन की रहती है लगभग 20 mm ऊपर रखते हैं, और यहाँ से हम इसको मटेरियल कर देंगे अपना, जैसे कि ये 66 mm विड्थ पे जा रहा है और 33 mm, तो यहाँ इसको हम 40 mm दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको 40 mm दे दिया, और यहाँ इसको नाम दे देते हैं, ये देखिए ये हमारा बन चुका है। और देखिए इससे ये हमारा टूल पाथ तैयार हो चुका है, और इसमें हम दो टूल पाथ यूज कर सकते हैं, एंड मिल भी कर सकते हैं फिनिशिंग के लिए, और वी बिट भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको सिमिलर दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करेगा, तो हम यहाँ इसको सिमिलर करेंगे, ठीक है। तो हम सिमिलर पर क्लिक कर लेंगे, उसका बैकग्राउंड हमें चेंज, यहाँ से सिमिलर पर क्लिक करके हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला रख लेते हैं, ये वाला इसका बैकग्राउंड हो गया। और इसमें कटिंग में के लिए यहाँ पे क्लिक करके पेड़ पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए, ये कटिंग का हो जाएगा। और अब यहाँ से हम इसको देखिए किस तरीके से काम करेगा, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें डीप में चेंज करना चाहे तो ये वाइट भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये वी बिट बनेगा, ये देखिए वी बिट की हमारी कटिंग इस तरीके से होगी, ठीक है। और अब हम इसमें ही चेंज करेंगे, देखिए हम इसमें ही चेंज कर देंगे, अगर जैसे हमारा ये टूल पाथ बना हुआ है, यहाँ से हम यहाँ से एडिट करेंगे, एडिट पर क्लिक करके हम इसमें जैसे कि हमारा मटेरियल 18 mm का ही है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और लिमिट पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा 18 mm मटेरियल तो हम 15 mm देंगे लास्ट, तो यहाँ से हम यहाँ 15 mm कर देंगे, ठीक है। और फिर रिफ्रेश करके वापस कंटिन्यू कर देंगे इसको, ठीक है। अब ये 15 mm ही जाएगा, और दूसरी बात ये हम सिमिलर को बीट मार देते हैं, ठीक है। तो हम वापस सिमिलर करेंगे इसको टूल पाथ को, तो ये 15 mm ही जाएगा, हमने इसको बोल दिया कि भाई हमारा मटेरियल इतना ही है, 15 mm के नीचे नहीं जाना, तो ये 15 mm से नीचे नहीं जाएगा, ये देखिए 15 mm से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि जो हमें चाहिए, लेकिन हमारा मटेरियल ही 15 mm का मतलब नहीं है, मतलब 18 mm का मटेरियल है, तो हम इसको 15 mm दे देंगे, तो ये इतना ही करेगा, ठीक है। और मैं यही आपको इसमें दिखा देता हूँ, देखिए जैसे कि 2D में जाएंगे और इसमें जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके करेंगे, और फिर दोबारा सिमिलर में जाएंगे। अब देखिए
इसको हमें सिमिलर करना है। ये सिमिलर हम करके देखते हैं, ये देखिए ये इस तरीके से होगा, विकारिंग इस तरीके से होगा। जितना हमारा ये जगह, जितनी हमारी ये जगह थोड़ी होगी ना, इसकी विड्थ जितनी होगी उतना ही ये अंदर जाएगा, और जितनी कम होगी उतना ही ये बाहर रहेगा। ये देखिए इसमें ये है, ये देखिए जितना ये कम रहेगा उतना ही डीप कम जाएगा, और जितना ये चौड़ा रहेगा उतना ही डीप ज़्यादा जाएगा। इसमें ये रहेगा, और दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये राउंड आ गया, और ये तीनों दिखा देता हूँ, देखिए एक साथ करके दिखा देता हूँ। ये विकारिंग का है, अब हम इसको सिमिलर करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे और इसको सिमिलर में देख लेंगे। ये देखो ये सिमिलर हो गया हमारा, ये देखिए ये कोने को वी में, वी कार्विंग का मतलब होता है कोने को वी की तरह करना। ये देखिए ये यहाँ से थोड़ा था, ये इतना डीप चला गया, और ये यहाँ से कम था इसलिए ये कम डीप चला गया। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा डीप देना चाहो, कितनी भी स्टेप देना चाहो आप उतना ही दे सकते हैं। ये देखिए फिक्स 15 mm का ही है, और ये आप इस प्रकार इसका जैसे जैसे यूज करोगे उसका वैसे वैसे समझ आओगे। तो मैं आपको इसका एक और दिखाता हूँ, इसको तो डिलीट मारते हैं हम, उस बात को छोड़ देते हैं और इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से फैक्ट्री इंपोर्ट में जाएंगे और इंपोर्ट, जो कि हमने एक विकारिंग का सैंपल बनाया था, F9 दबाएंगे सेंटर में आ जाएगा, और इसको वापस कोने में लेंगे तो यहाँ से कोने पे क्लिक करके हम इसको वापस जीरो कर देंगे, यहाँ जीरो कर देंगे और यहाँ जीरो कर देंगे, अप्लाई कर देंगे तो ये कोने में आ जाएगा। अब इसको कंट्रोल यू करेंगे और हमारा टूल पाथ में जाएंगे, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये यहाँ से ये दिक्कत है तो वो चेक कर लेंगे एक बार। देखिए यहाँ पर हमें एक दिक्कत आई थी तो वो हमने सॉल्व कर दी, और डॉक्टर वेक्टर के थ्रू इसको क्लोज कर देंगे, और अब वापस इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद कैलकुलेट कर देंगे। ये देखिए विकारिंग, ये विकारिंग का हमारा बन जाएगा, और सिमिलर को हम डिलीट कर देंगे पहले से जो सिमिलर बना हुआ है हमारे पास, और इसको हम सिमिलर करके देखेंगे। ये देखिए इसको हम सिमिलर करेंगे, ये देखिए ये इस तरीके से विकारिंग काम करता है हमारा, ये देखिए इस प्रकार करेगा हमारे भी कार्य काम। और हम इसको यहाँ से डीप दे सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम डीप यहाँ डीप डाल देंगे, कितना एम देना है, और स्टार डीप भी डाल सकते हैं कितना, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और आप यहाँ से इस तरीके की कोई भी 3D डिजाइनिंग या बना सकते हो आप यहाँ, ये देखिए ये 3D की तरह ही मतलब अच्छा लगेगा, वी कार्विंग होता ही वीक में बनता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, और ट्यूटोरियल अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और हम आशा करते हैं कि आगे भविष्य में आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें।